नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक नेटवर्क पर। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं। आईपीएल का दूसरा मैच और वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है क्योंकि ये खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स यानी कि ऋषभ पंत वर्सेस रोहित शर्मा की टीम यानी कि मुंबई इंडियंस के बीच में। और इसकी फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, बेस्ट फैंटेसी टीम आप किस तरीके से बना सकते हैं अपने स्किल पर खेलते हुए, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन सा एक्स फैक्टर है जो कि इस को डिसाइड करेगा। शशांक बड़ा मैच है, सबसे पहले ये बता दे तमाम दोस्तों को। और एक तरीके से कहा जाएगा कि हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट, हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अभिषेक, सुपर संडे है, सुपर मैच है और दिन का पहला मुकाबला अभिषेक, और संडे के दिन जो है जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली और मुंबई की टीम, और हालिया दिनों में मुंबई को दिल्ली ने परेशान किया है, लेकिन आपके लिए हम लेकर के आए हैं फैंटेसी लीग के खेलने के लिए वो 11 तैयार करके जो शायद आपको सबसे ज्यादा इनाम जितवाने वाले है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बन रही स्पोर्ट्स टॉक के साथ। बिल्कुल, और अब शुरुआत भी कर देते हैं क्योंकि लोगों के पास ज्यादा समय है नहीं, फटाफट हम आएंगे। तो ओवरऑल पहले रिकॉर्ड आप देख लीजिए दोनों टीमों के बीच में कितने मुकाबले खेले गए हैं, और ओवरऑल रिकॉर्ड इस समय आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली एंड मुंबई के बीच में जो मैचेस खेले गए शशांक, उसमें से 14 दफा दिल्ली की जो टीम है वो मुकाबले को जीतने में सफल हुई है, जबकि अगर बात की जाए तो 16 दफा मैच जीतने में सफल हुई है मुंबई इंडियंस की टीम। यानी कि दोनों टीमों के बीच में कुल 30 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 14 मैच दिल्ली कैपिटल्स के नाम, 16 मैच जो है वो मुंबई इंडियंस के नाम है। और वहीं अभिषेक, जब दोनों टीमें भिड़ती हैं तो मार धाड़ देखने को मिलता है, मैदान पर धमाकेदार परफॉर्मेंस होता है। एवरेज रन्स की बात करें अभिषेक, तो दिल्ली की टीम थोड़ी पिछड़ती है, 146 का है, जबकि एवरेज स्कोर मुंबई का 161 का रहा है। कारण उनके मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज रहे हैं अभिषेक, और इसीलिए दोनों ही टीम एक दूसरे को टक्कर देती है। लेकिन हाईएस्ट रन स्कोर में भी यहां पर पड़ रहा मुंबई का है, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं है अभिषेक। बिल्कुल, और वही है कि 213 रन मैक्सिमम बनाए हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, तो मुंबई की टीम ने 218 रन बनाए हैं। और मिनिमम की बात करें तो 66 पर दिल्ली आउट हुई है, तो 92 पर मुंबई आउट हुई है। तो इन सभी फैक्टर को आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए किस टीम का क्या रिकॉर्ड है, वो भी आप फटाफट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब पहले बल्लेबाजी करती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो उनके पक्ष में कितने आंकड़े जाते हैं, 5 और 11 का है शशांक। यानी कि यहां पर भी मुंबई का पलड़ा पूरी तरीके से भारी है। दोनों टीमों के बीच में अगर आप देखें तो 11 मैचेस जो हैं जब मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो जीते हैं, जबकि सिर्फ 5 ऐसे मैच हैं जहां पर कि दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती है। लेकिन अभिषेक यहां पर अगर देखें तो एवरेज बैटिंग स्कोर का आंकड़ा थोड़ा सा क्लोज नजर आ रहा है। दिल्ली 163 तक पहुंचती है पहले बैटिंग करती है मुंबई के खिलाफ में, क्या बात। लेकिन अगर मुंबई की बात करें, जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो 168 के आसपास रन बनाते हैं अभिषेक, और यही वो दोनों दफा है जब पहले बैटिंग करके ही दोनों टीमों ने 218 और 213 अपने जो है हाईएस्ट स्कोर भी खड़ा किया अभिषेक। बिल्कुल, और बैटिंग सेकंड का भी आंकड़ा देख लेते हैं शशांक, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो कहीं गल्फ कम होते हुए नजर आया है, लेकिन बैटिंग सेकंड में क्या दिल्ली पछाड़ पाएगी मुंबई को, काफी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। जरा आप बैटिंग सेकंड करते हुए इस आंकड़े को देख लीजिए, और उसके बाद हम आपको फैंटेसी 11 भी बताएंगे। लेकिन जब बैटिंग सेकंड की बारी आती है दिल्ली यहां पर बाजी मारती है, और 9 दफा दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीत दर्ज की, और शायद इसलिए शशांक के चेहरे पर खुशी आ गई है। बिल्कुल अभिषेक, और क्योंकि दिल्ली मेरी फेवरेट टीम है और हम टीम इस समय बना रहे हैं, अगर आप देखें तो 9 में से जो बैटिंग सेकंड का जो स्कोर है उनमें से 9 दफा ऐसा हुआ है जहां पर कि जब दिल्ली की टीम बैटिंग कर रही है सेकंड में तो जीत रहे हैं। इनके चेज का जो आंकड़ा है मुंबई के खिलाफ दिल्ली का बड़ा शानदार रहा है। एवरेज रन की बात करें, भले ही इसमें मुंबई आगे नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली की टीम भी कम नहीं, 139 के आसपास का है अभिषेक। और ऐसे में दिल्ली की टीम ने पछाड़ा है आपको, बैटिंग सेकंड जब करते हैं तो 195 बनाए, जबकि मुंबई सिर्फ 176 बना पाया। बिल्कुल सही बात है, और यही इंटरेस्टिंग था देखना कि जब पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की अगर देखें तो गल्फ थोड़ा सा कम किया था दिल्ली की टीम ने, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए दिल्ली की टीम जो है वो मुंबई से आगे निकल गई। और इसीलिए आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फैंटेसी लीग मतलब स्पोर्ट्स टॉक चैनल और इंडिया का सबसे ट्रस्टेड चैनल है, जहां पर की द बेस्ट फैंटेसी 11 हम आपके लिए तैयार करते हैं शशांक। रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट वो 11 आपको देने वाले हैं हम, जिसके दम पर आप अपनी सबसे बेहतरीन टीम बना सकते हैं। बिल्कुल, और आखिरी 2 सालों में कैसा रिकॉर्ड है उस पर भी जरूर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि विनिंग स्ट्रीक या लूजिंग स्ट्रीक इस पर डिपेंड करता है कि पिछले 2 सालों में दोनों टीमों का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल, और ऐसे मामले में देखें तो दोनों सालों में अगर हम लास्ट सीजन जाएं अभिषेक 2021, वहां पर दोनों मैचेस में दिल्ली को जीत मिली थी अभिषेक। मुंबई की टीम की अगर हम बात करें तो वहां पर उन्होंने 129 बनाए थे, जो 2 अक्टूबर को मैच खेला गया था जो अबू धाबी में था। उसके अलावा दिल्ली ने 132 बना के जीत हासिल कर ली थी अभिषेक, स्लो पिचेस थे लेकिन उसके बावजूद भी शानदार परफॉर्मेंस। उसके अलावा जो भारत वाला लेग था वहां पर भी दिल्ली की टीम ने इनको हरा दिया था, हरा करके यहां से वो गए थे, 137 रन पर ही रोक दिया था मुंबई इंडियंस को, यानी कि उनकी जो कहीं ना कहीं थी विजयी रथ था उसको थामा था दिल्ली ने। लेकिन उसके पहले 2020
2020 में भी अभिषेक जो भिड़ंत हुई थी उनकी टीमों की, वहां चार दफा, इसलिए आपको आंकड़ा स्क्रीन पर नजर आ रहा हो चुकी है, उस बार याद होगा आपको दो दफा में आईपीएल खेला गया था। अगर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मुंबई पर लगातार जो है दबाव बनाया था, दिल्ली ने एक बार मैच गंवाया, एक बार जीता है वहां पर अभिषेक, लेकिन वहां पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई धीरे धीरे थोड़ा सा एज ले रही थी, तो जो 2020 का साल था वो थोड़ा सा मुंबई के पक्ष में था, लेकिन 2021 का जो साल था अभिषेक वो दिल्ली की तरफ में लौटता हुआ नजर आया था, क्योंकि मुंबई के पक्ष में 2021 का साल गया नहीं था, छठे पोजीशन पर रही थी मुंबई इंडियंस की टीम, और इसीलिए मुंबई की टीम पिछड़ती हुई नजर आएगी। बहुत जल्दी आपको हम फैंटेसी 11 पर भी चर्चा करेंगे, डेप्थ में आपको बता देंगे, और उसी पर बिल्डअप कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी टीम को तैयार कर सकते हैं, रिसर्च वर्क है, और वहीं पर मंथ वाइज परफॉर्मेंस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन मार्च में कम आईपीएल के मैचेस खेले जाते हैं, तो मार्च के महीने में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कितने मैचेस जीते हैं अगेंस्ट मुंबई, और मुंबई ने अपने कितने मैचेस जीते हैं, जरा इस पर भी आप नजर डाल लीजिए, और फटाफट आपको बता दें कि मार्च के महीने में कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने दो में से एक मैच जीता है शशांक, यानी बराबरी का मामला है, यस बिल्कुल बराबरी का मामला, दो मैचेस मार्च में मुंबई ने खेले हैं दिल्ली से, दिल्ली ने मुंबई से खेले हैं, और उसमें एक मैच जो है दिल्ली जीता है, एक मैच मुंबई जीता है, एब्सोल्युटली राइट, और ये मार्च का महीना ही है अभिषेक, जब 27 तारीख को टीमें भिड़ रही है, तो ऐसे में देखना यही पड़ेगा कि इस बार पलड़ा जो है किसका भारी रहता है, हालांकि अगर अप्रैल का देखें तो 13 में से 8 बार दिल्ली जीती है, तो इसका मतलब है कि मुंबई के लिए बेटर है, इसलिए बेटर है क्योंकि मार्च में मैच हो रहा है और जहां पर की बराबरी चल रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में तो दिल्ली उनसे काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए आपको फटाफट स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इतना डेप्थ में शायद ही कोई और आपको प्रेडिक्शन 11 और फैंटेसी 11 के बारे में जानकारी देगा। वहीं पर एक और कदम आगे बढ़ते हैं और डेज के बारे में भी जानकारी देते हैं कि संडे को जो मैचेस खेले गए हैं दिल्ली बनाम मुंबई के बीच में, तो उस दिन किस तरीके से रिकॉर्ड रहा है, और पिच के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए शशांक, संडे को जो मैचेस खेले गए हैं यहां पर 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 3 दफा दिल्ली की टीम जीतने में सफल हुई है, यानी कि संडे इज गोइंग टू बी फन डे फॉर दिल्ली कैपिटल्स, हो सकता है यहां पर 4 में से 3 दफा दिल्ली की टीम रविवार को जीती है, तो अगर आप सिर्फ टीम को जीतते और हारते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि रविवार के दिन में, संडे के दिन में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 में से 3 मैचेस अगेंस्ट मुंबई इंडियंस से जीती है। बिल्कुल अभिषेक, और संडे को जो आपने कहा फंडे, वो सुपर संडे बना देती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और शायद उस दिन और जोरदार प्रदर्शन वो करते हैं वीक ऑफ में, और वहां पर जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने खेल दिखाया है वो कमाल कर रहा है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि दबाव जो है मुंबई पर होगा। अभिषेक, दिल्ली की टीम थोड़ी और मजबूत हो रही है, मुंबई की कोर ग्रुप में थोड़ा सा आप देखें तो इधर उधर हुआ है वहां पे, बिल्कुल सही बात, उनको वापसी करने की बात होगी, बिल्कुल, हालांकि यंग टीम जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की भी है। मोस्ट विकेट टेकर्स की भी बात कर लेते हैं एक बार, की आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई के बीच में जब मैचेस हुए तो सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किसने किया है, और यहां पर देखें तो लसित मलिंगा जो कि अब राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ चुके हैं, और इनके नाम 22 विकेट है। हरभजन सिंह जो कि अब रिटायरमेंट ले चुके हैं 21 है, लेकिन जसप्रीत बुमराह अभी भी बूम बूम बुमराह आप कहेंगे तो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और बूम बूम बुमराह के नाम कुल मिलाकर शशांक 20 विकेट है, दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 20 विकेट निकाले शशांक, और अमित मिश्रा इसके अलावा दिल्ली के लिए जो कि अब खेल नहीं रहे हैं, लेकिन बूम बूम बुमराह को अपनी फैंटेसी 11 में आप जरूर उतार लीजिएगा। इसका मतलब यह अभिषेक, इस करंट टीम के अंदर में बुमराह ऐसे वर्चुअल एक एस्पेक्ट है जहां पर कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कभी भी आकर के आपके लिए जो है गेम बिगाड़ सकते हैं, यानी अपनी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, और मलिंगा जिनका की लिस्ट में नाम था अभिषेक, उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी को बरकरार रखा है, वही यॉर्कर्स वही शानदार गेंदबाजी, तो बुमराह से सावधान होने की जरूरत है अभिषेक। बिल्कुल सही बात है, और अब आपको फैंटेसी 11 भी दिखा देते हैं, उसके बाद हम वेदर भी आखिरी में चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप फैंटेसी 11 दिखा देते हैं शशांक और अभिषेक की किस तरीके से फैंटेसी 11 है, क्योंकि हमने सारी चीजें आपको डेप्थ में बता दी है, और अब हमने अपनी अपनी टीम बनाई है, तो टीम अब आपके स्क्रीन पर रहा इस तरीके से, आप टीम को देखिए एक एक करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल, अगर यहां देखें तो दोनों लोगों की यानी कि शशांक और अभिषेक की 11 आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप जरूर यहां पर देखिएगा, क्योंकि रिसर्च बेस पे हमने ये शो जो है बनाया हुआ है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 विकेट कीपर का ऑप्शन हमारे पास था, इवन नहीं विकेट कीपर का तीसरा भी ऑप्शन था सैम बिलिंग्स का, लेकिन हमने उन्हें नहीं रखा है। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अगर आप देखें तो खेलते नजर आ सकते हैं, माफ कीजिएगा टीम साइफर्ट का था ऑप्शन, तो ईशान किशन एंड ऋषभ पंत, नो डाउट कि आप इनको टीम में ना रखें, दोनों ऊपरी क्रम पर बैटिंग करते हैं, ईशान ओपन करेंगे मुंबई के लिए, आपके नंबर 4 पर ऋषभ पंत अब कप्तानी करते हुए दिल्ली के लिए बैटिंग करेंगे, तो इन दोनों को हमने विकेट कीपर चुन लिया, इसलिए कहीं कोई शंका नहीं था। बल्लेबाजों की बात कर लें तो शशांक वाले प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें उसमें 3 बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, रोमन पावेल, और उसके अलावा अगर देखें तो यहां पर टिम डेविड हैं, ये वो 3 खिलाड़ी हैं जो ये खेलेंगे, 2 मुंबई से हैं और 1 रोमन पावेल हैं दिल्ली से, ये 3 बल्लेबाज हमने लिए हैं। लेकिन अगर आप आ जाए अभिषेक वाले प्लेइंग 11 पर जब विकेट कीपर और बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं, वहां विकेट कीपर की पोजिशन बिल्कुल सेम है दोनों।
टीम अभिषेक है ना, वहां पर भी आपने रखा हुआ है। देखिए क्योंकि साफ है ईशान किशन 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके अभिषेक, एंड बात सिर्फ पैसों की नहीं है, एक ऐसे खिलाड़ी जो कि आपके लिए मैच विनिंग नॉक खेल सकते हैं। और बहुत हाल में ही आपने देखा होगा अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने लखनऊ में किस तरीके से बल्लेबाजी की थी, 89 रन बनाए थे उन्होंने, तो उनका टीम में रहना बिल्कुल आप कहेंगे कि परफेक्ट है। और साथ ही साथ ऋषभ पंत को आप इस फॉर्म में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए कॉमन है हमारे दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज। लेकिन शशांक ने अपनी टीम बताई है तीन बल्लेबाज, और मेरी जो तीन बल्लेबाजों की अगर हम बात करें शशांक, तो यहां पर जो तीन बल्लेबाज रोमन पॉवेल कॉमन है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने यहां पर पृथ्वी शॉ को रखा और टीम डेविड को मैंने अपनी टीम में जगह दी है बल्लेबाजी के तौर पर। यानी कि अंतर सिर्फ यहां पर है कि मेरी टीम में रोहित शर्मा भी हैं लेकिन अभिषेक की टीम में पृथ्वी शॉ, दोनों टीमों के राइट हैंडर ओपनर हैं ये, तो इन्होंने ये रखा है। और इवन मैंने ईशान को रखा है आपको कप्तान, लेकिन इधर रोमन पॉवेल को कप्तान बना दिया है अभिषेक ने, यानी कि रोमन पॉवेल जो कि इस समय पावर हिटिंग कर रहे हैं। अभी भी मैं उनके नशे से यू नो उबरा नहीं हूं, जिस तरीके से उन्होंने हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी भारत के खिलाफ की और प्रैक्टिस में बड़ी शानदार हिटिंग करते नजर आए हैं। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, तीन ऑलराउंडर्स हमारी टीम में है, अक्षर पटेल, ललित यादव और साथ में डेवाल्ड ब्रेविस, ये शशांक की टीम में है। जबकि अभिषेक आपने भी अपनी टीम में दो ऑलराउंडर तो बिल्कुल सेम रखे हैं, आपका तीसरा ऑलराउंडर है डैनियल सैम्स। देखिए एक एक्चुअली अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, बिल्कुल कैन ब्लास्ट, इतने लंबे लंबे छक्के टांग सकते हैं कि यू नो मुझे लगता है कि उनका रहना टीम में काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने उनको टीम में जगह दी। बीबीएल का परफॉर्मेंस आपने देखा, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली बिग बैश लीग में ही इज अ बिग बॉस शशांक। और अगर गेंदबाजों की बात करें अभिषेक, तो यहां पर जो तीनों जो दोनों टीमों की हम बात करें, यहां पर शार्दुल ठाकुर हैं, जसप्रीत बुमराह, ये कॉमन है हम दोनों की टीमों में। उसके अलावा हमारे पास जो है मयंक मार्कंडे जो है वो एक टीम में है, यानी कि मेरी टीम शशांक की टीम में मयंक मार्कंडे है, जबकि अभिषेक की टीम में मुर्गन अश्विन है। एब्सोल्युटली राइट, और मुर्गन अश्विन शानदार गेंदबाज है, कहीं कोई शंका नहीं। एक्चुअली शशांक आई वॉज वेरी इंप्रेस जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी, इससे पिछले एडिशन में भी देखें, और इज अ ब्यूटीफुल लेग स्पिन गेंदबाज। मुझे लगता है कि राहुल चाहर के जाने के बाद ये जो है वो जगह को फिल करते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियंस के लिए, और इसीलिए मैंने मुर्गन अश्विन को लिया है। साथ ही साथ शशांक इट इज वेरी कॉमन कि यू नो जसप्रीत बुमराह क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 20 विकेट उन्होंने लिए हैं अगेंस्ट दिल्ली, और इसीलिए आपने भी अपनी टीम में रखी है, मैंने भी अपनी टीम में रखा। और शार्दुल ठाकुर को जो जगह दी गई है शशांक, मुझे लगता है कि उनके पास एक एक्स फैक्टर है और विकेट लेने की टेंडेंसी रही है, तो जब विकेट लेते हैं गुच्छों में विकेट निकाल लेते हैं। लेकिन अभिषेक ये जो हमारी आप सबने जो देखी है फैंटेसी लीग, अपने स्किल पर जरूर खेलिए, इसको आप एंजॉय कीजिए और आपको मजा आएगा खेलते वक्त अपने स्किल के साथ, लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि ये थ्रू आउट द आईपीएल आपके लिए हम बेहतरीन फैंटेसी लीग लेकर के आने वाले, रिसर्च बेस्ड फैंटेसी लीग। एक बार जाते जाते और तमाम दोस्तों को एक बार फैंटेसी लीग अपने स्क्रीन पर ये देख लेते हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए कि किस तरीके से शशांक और अभिषेक ने अपनी अपनी टीम बनाई है। अभिषेक हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, हमारे वाइस कैप्टन सेम है, अक्षर पटेल को हमने वाइस कैप्टन रखा है, क्योंकि बॉलिंग में विकेट बड़ा शानदार निकाले हैं पिछले 2-3 सालों में, जो उनका आंकड़ा हमने देखा बड़े ही बेहतरीन आंकड़े हैं, और उसके अलावा भारत के लिए तो अच्छा किया ही उन्होंने, आप सबने देखा ही होगा, तो उनकी जो वाइस कैप्टेंसी हमने उनको डाली है। और कैप्टेंसी के लिए दो ऐसे प्लेयर्स को हमने चुना अभिषेक जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, मेरी टीम में ईशान किशन, अभिषेक की टीम में रोमन पॉवेल, दोनों के पास पावर हिटिंग है। आप अपने स्क्रीन पर एक बार फिर से टीम देख लीजिए किस तरीके से हमने टीम बनाई है, और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में भी शशांक ने आपको बता दिया। जी बिल्कुल, रोमन पॉवेल अभिषेक दाएं हाथ के धाकड़ वेस्ट इंडियन बल्लेबाज, अभिषेक कैप्टन है आपकी टीम के और ईशान किशन मेरी टीम के हैं, अगर ये दोनों चल गए अभिषेक बाकी किसी बल्लेबाज को चलने की जरूरत नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला होगा, लेकिन शशांक और अभिषेक के बीच में भी फैंटेसी लीग का मुकाबला जो है दैट इज ऑन। और अंत में चर्चा जरूर कर लेते हैं शशांक, क्योंकि टीम हमने बनाई है, तमाम स्टैट्स हमने दिखाए हैं, अभिषेक वेदर क्या कहता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 3:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी शशांक, वेदर क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो मुकाबला खेला जाएगा ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, यानी कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया शशांक सीसीआई में, और वेदर जो है दैट इज ऑन अ हायर साइड, 37 डिग्री टेम्परेचर, और अभिषेक शाम का मैच मतलब सोचिए कि 38 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर दिन में रहने वाला है, 3:30 बजे पहली बॉल पड़ जाएगी, 3 बजे टॉस हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इतने देर में आप समझे कि धीरे धीरे जैसे आगे दिन का जो खेल आगे बढ़ेगा वैसे जो तापमान है वो कम होगा, यानी कि यहाँ बैटिंग बाद में करने वाली टीम भी देखना होगा कैसा खेलती है। लेकिन एक चीज तय है अभिषेक कि अभी भी इस फैंटेसी 11 को भी देख लें अगर, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो
पलड़ा जो है वो दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और आपको अगर हमारी फैंटेसी 11 पसंद आ रही है और जिस तरीके से हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जी जी, स्काई 247 पर भी आप खेल सकते हैं। जी जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप अपने स्किल के हिसाब से खेलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू नो अगर आपको टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना कर लीजिए, क्योंकि आए मौके पर अगर टीम में कुछ भी परिवर्तन होता है तो हम पर देते हैं, जरूर अपडेटेड देते हैं। तो मिलते हैं एक और मैच की फैंटेसी लेवल लेकर शशांक, लेकिन दिल्ली बनाम मुंबई महामुकाबला होगा। शशांक बनाम अभिषेक ने अपनी टीम बनाई और देखते हैं कि किसकी टीम कितने पॉइंट्स हासिल करते हैं। बिल्कुल सही बात है अभिषेक, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।